नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मंगलवार को चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पशुपति पारस को LJP कोटे से मंत्री नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह कूद जाएंगे। कोरोना काल में हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित कर कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। बता दें कि इस साल 25 जुलाई से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और टीम का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कुछ और रियायत के साथ 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। अब मंगलवार से 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को अप्रैल और मई सत्र की JEE मेन परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि JEE मेन के तीसरे चरण की परीक्षा 20 जुलाई से 25 जुलाई तक और चौथे चरण की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगी। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रियों के आने पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने पंजाब, UP, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों संग मीटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे कांवड़ लेकर हरिद्वार समेत उत्तराखंड के किसी भी शहर में न आए। दिल्ली NCR क्षेत्र में अभी मॉनसून आने में और वक्त लगने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान आदि में मॉनसून के संभवतः 10 व 11 जुलाई के आसपास आने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों को पृथकवास में जाना पड़ा है। सीमित ओवरों के स्क्वाड के साथ सदस्य COVID-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें टीम के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। मंगलवार को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। ICC ने मंगलवार को महिलाओं की ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान मिताली राज फिर से नंबर 1 बल्लेबाज बनने गई है। उन्होंने लंबी छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। रियलिटी शो बिग बॉस 14 के पॉपुलर कंटेस्टेंट राहुल वैद्य ने कुछ दिन पहले ही उम्मीद जताई थी कि जल्द ही वो अपनी शादी की डेट अनाउंस कर देंगे, और अब ये इंतजार खत्म हो गया है। 16 जुलाई को राहुल वैद्य अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।